लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी विपक्ष के 1 लाख के करीब कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने के मिशन के करीब पहुंच गई है। बीजेपी में बड़े नेताओं के अलावा दूसरी पार्टियों के करीब 80,000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हो चुके हैं। बीजेपी विपक्ष को जमीन पर मार देने की रणनीति पर पिछले कुछ महीनों से काम कर रही थी। अब की बार 400 पार। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने दो खास रणनीति बनाई थी। पहला, विपक्ष के बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल करवाना और दूसरा, जमीन पर काम करने वाले विपक्षी कार्यकर्ताओं को जोड़कर अपने साथ मिलाना। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साल भर से बीजेपी इस काम में लगी थी और लोकसभा चुनाव नजदीक आने पर उसने इसके लिए एक ज्वाइनिंग कमेटी भी बनाई। पार्टी सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक हाल ही में विपक्षी दलों के 80,000 से अधिक कार्यकर्ता और नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इसमें बड़े नेताओं के साथ साथ जिला स्तर के नेता भी शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने दूसरी पार्टियों के 1 लाख नेताओं और कार्यकर्ताओं को अपने पार्टी में शामिल कराने का लक्ष्य रखा है, जिसे वो लोकसभा चुनाव से पहले पूरा कर लेना चाहती है। बीजेपी नेशनल पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है और बीजेपी ने कभी भी अपने कार्यालय पे नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाया। अब मैं तो और पार्टियों में देख रहा हूँ कि वहां पर जो है वो टिकट उनकी खिड़की पे टिकट वापस करने वालों की लंबी लाइन दिखाई पड़ रही है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी में जो आ रहा है वो हमारी नीतियों, कार्यक्रमों, सिद्धांतों के आधार पर उसका स्वागत हो रहा है। हाल के दिनों में बीजेपी ने दूसरी पार्टियों के जिन बड़े नेताओं को शामिल कराया है उनमें कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, बीएसपी सांसद रितेश पांडे, बीएसपी सांसद संगीता आजाद, कांग्रेस सांसद रवनीत बिट्टू, कांग्रेस सांसद प्रणीत कौर, आप सांसद सुशील कुमार रिंकू, आप विधायक शीतल अंगुराल, पूर्व कांग्रेस सांसद लालचंद कटारिया, टीएमसी सांसद अर्जुन सिंह, कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस सांसद वारा प्रसाद राव, पूर्व कांग्रेस सांसद सुरेश पचौरी, पूर्व कांग्रेस सांसद ज्योति मिर्धा, गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया शामिल हैं। बीजेपी ज्वाइन करने वाले तमाम नेता मोदी मंत्र की वजह से हृदय परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हर दल के नेताओं के लिए रास्ते खोले हुए हैं, जो दूसरे क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं उनके रास्ते खोले हुए हैं। इसी तरह पार्टी ने दूसरे दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं सबको साथ जोड़ा हुआ है। अकेले मध्य प्रदेश में लगभग 17,000 कार्यकर्ता कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए। देश भर में लगभग 80,000 कार्यकर्ता दूसरे दलों से भाजपा में आ चुके हैं। पार्टी ने एक अपने प्रबंधन को, अपनी टीम को निर्देश दिए थे कि 1 लाख कार्यकर्ताओं को हमको बढ़ाने इस चुनाव में। दूसरे दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल कराने के लिए पार्टी ने ज्वाइनिंग कमेटी बनाई थी। विनोद तावड़े को इस समिति का संयोजक बनाया गया था और पार्टी ने उन्हें पश्चिम भारत की जिम्मेदारी दी थी। समिति में रविशंकर प्रसाद को पूर्वी भारत, राजीव चंद्रशेखर को दक्षिण भारत, अनुराग ठाकुर को उत्तर भारत और भूपेंद्र यादव को मध्य भारत की जिम्मेदारी दी गई। दूसरी पार्टी के 1 लाख कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने के पीछे बीजेपी का मकसद ये है कि अगर 1 लाख कार्यकर्ता दूसरी पार्टी से आते हैं और वो 10-10 वोट भी अगर पार्टी के लिए जुगाड़ कर पाते हैं या पार्टी के पक्ष में दिलवा पाते हैं, तो इसका मतलब है कि पार्टी को 2024 के लोकसभा के चुनाव में 1 करोड़ अतिरिक्त वोट मिलेंगे, जो कि 370 के लक्ष्य को प्राप्त करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है। कैमरामैन राणा अविनाश के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली।